समस्त चंदौसी वासियों को सूचित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि चंदौसी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए टेरियर यूटिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चंडीगढ़ कचरा प्रबंधन का कार्य कर रही है। कचरा प्रबंधन में समस्त नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। आपसे निवेदन है कि अपने घरों के कचरों को नगर पालिका चंदौसी द्वारा लगी हुई टिपर रेहड़ी ठेले वालों को दें, जिससे कचरा इधर उधर न फैले। आप घर के कचरे को गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग कर हमें प्रदान करें, जिससे कचरे को प्रोसेसिंग व रिसाइकलिंग किया जा सके। सफाई संबंधित कोई भी शिकायत हो तो उसे 8445812221 पर सूचित करें। विनम्र आग्रह है कि कूड़ा सड़क पर ना फेंके। सड़क पर पड़े कूड़े को जानवरों द्वारा इधर उधर फैलाया जाता है तथा सदैव संक्रामक बीमारियों का भय बना रहता है। सड़क पर फैले कूड़े से आपका ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होगा, नालियां चौक होंगी और सड़क पर गंदा पानी फैलेगा। याद रखें कि जिस कचरे के ढेर के पास से आप गुजरना नहीं चाहते, उस कचरे को आप जैसे ही व्यक्ति उठाता है। प्रयास करें कि पॉलीथिन का प्रयोग खुद नहीं करेंगे और दूसरों को भी शिक्षित करेंगे। हमारा प्रयास आपका सहयोग चंदौसी को स्वच्छ शहर बनाने में सफलता प्रदान करे। यूजर फी अधिकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रसीद प्राप्त करने के बाद ही दे। वो तो बंद नहीं करते ना, लगा हुआ है लेकिन क्यों नहीं बंद करते? अभी बताया कि कूड़ा आगे को डाल दे, पीछे जगह खाली है, तो कूड़ा सही तरीके से डाले और डाला लगा दे, तपार ढक दे, कल क्यों नहीं करेगा? तो दूसरी बात है झाड़ू की, ये झाड़ू और ये सफाई का ठेका ही दूसरा है। ये एक बरेली के हमारे टीम है, ठेकेदार है उनका है, उसमें हमारे से बताया, ये सब बताया था कि तीन तरह के हमारे पर टीम है सफाई। एक तो है परमानेंट हमारे कर्मचारी झाड़ू लगाते हैं, और जब से शायद हम बने तब से हमने दो टाइम के झाड़ू का कहा था कि दो टाइम लगेंगे। कुछ वार्डों में लग रही है सच्चाई तो यही है, और कुछ वार्डों में नहीं लग रही है। सर सुबह तो लगती है, सुबह लगती है मैंने कहा। फिर मैंने एक हमने प्लान किया था, आपको याद होगा, दो ढाई साल बता कि रात को झाड़ू लगने से मैंने ये देखा कि सुबह में हमें इतनी गंदगी नहीं मिली, काफ़ी अच्छा परिणाम निकला उसका। फिर लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इधर से भी आवाज़ आई कि रात को नहीं लगा देंगे, इधर हमारे नगर पालिका के कर्मचारी थोड़े शांत हो गए, ऐसा कुछ व्यवस्था भी। तो आप सबसे आग्रह करूँगी कि आप सब ऐसा प्लान बनाएं कि एक टाइम रात को भी झाड़ू लग जाए तो कूड़ा उठ जाए, तो मैं समझती हूँ सुबह में आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई बात नहीं, बाद में हम मिलकर करेंगे। फिर रात में झाड़ू लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, और नहीं लगा सकते हैं। इस बात की शिकायत शुरू से करती चली आ रही हूँ, और लोगों की शिकायत भी है कि झाड़ू लगाते नाली में डाल, इस पर फोकस करिए। सब इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, ज्यादातर शिकायत इंस्पेक्टर साहब मुझे सुनिए, ज्यादातर ये शिकायत झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहे हैं आपके, और कूड़ा हुआ इकट्ठा ना करके, मैंने स्वयं भी देखा है और टोका भी है, तो सीधा नाली में करते। नाली यदि आपकी साफ है तो क्या फायदा होगा? समस्या आ रही है, समस्या का समाधान तभी कर पाएंगे आप जब प्रत्येक विभाग का अधिकारी आपके पास बैठा हो। जैसे बोर्ड की बैठक करते हैं, प्रत्येक विभाग का अधिकारी आपका बैठा होता है, जिससे संबंधित जिस विभाग की संबंधित शिकायत है वो उसका वो सोल्यूशन का समाधान करेगा। एक विभाग का दूसरे विभाग समाधान कभी नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे सुझाव भी आए, अच्छा लगा मुझे भी। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी रहती है, मैं भी कह देती हूँ कई बार नहीं हो पाता है, जब मेरे साथ होता है तो आप लोगों को क्या होता होगा, मैं समझ सकती हूँ आपकी पीड़ा क्या है। कि हम कहते हैं भाई फला जगह काम करी, मेरे पास कंप्लेन कोई आती है, तत्काल मैं संबंधित विभाग को या ईओ साहब को फ़ोन करती हूँ कि भाई फला जगह शिकायत है, तत्काल हो जाना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से मैं भी यही चाहती हूँ, हमने कहा तत्काल ना हो। आपकी समस्या कैसी है? एक घंटे वाली, एक घंटे में हो सकती तो होना चाहिए, दो घंटे में, एक दिन, दो दिन, एक सप्ताह, आप टाइम दीजिए उनको कि साहब इतने दिन में एक समस्या का समाधान हो सके। ये आपकी जिम्मेदारी है, पालिका की जिम्मेदारी है। आप ये सब संबंधित अधिकारी को आप टैकल करिए, उनको बताइए कि जो भी आपके विभाग से संबंधित कोई समस्या वार्ड से आ रही है उसको बड़ा सीरियसली गंभीरता से लें, और कितने दिन में होगी ये भी आप कमेंट करें, या वादा करें उनको बताएं कि ये ऐसी समस्या है इतने दिन में हम इसको कर देंगे। एक आध दिन आगे भी जो हो सकता है कुछ मेन देखिए, जैसे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें ये था कि सफाई मेन है हमारे लिए, तो आप जो हमारे चंडीगढ़ से जो टीम आई हुई ठेकेदार है, इनका काम ये है कि कूड़े को कलेक्ट करना, प्रत्येक गली प्रत्येक मोहल्ले से कूड़े को कलेक्ट करना है, और टंचिंग ग्राउंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 40 साल से समस्या चली आ रही है कि शहर के बाहर हमारी हर एंट्री पे बड़े बड़े पहाड़ कूड़े के लगे रहते हैं,
बहुत प्रयास किया हमारे तब हम उस पर सफलता पा पाए, टेंशन ग्राउंड हमारा हो गया। अब बात यह कि अभी भी शिकायत आती है कि कूड़ा टेंशन ग्राउंड तक नहीं पहुँचता, मेरे पास स्वयं के पास शिकायत आती है, मैं तत्काल ही सबको फोन करती हूँ और कहीं पर कार्रवाई भी हुई है। और आपको भी कहना चाहती हूँ, आप इस बात पर नजर रखें, सर्वे करें, पीछे टीम लगाए, आप अलग से टीम बनाइए, इस बात का निरीक्षण करें कूड़ा आपका सही इस जगह पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, कि रास्ते में डाल के तो नहीं आ रहा कहीं। मैंने देखा है कई बार, बताया हूँ सबको कि वो रास्ते में डाल के आ रहा है, खुजा पेट गेट के पास आते डाल के आ रहा है, ये सड़क के किनारे डाल के आ रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए। डोर टू डोर में मैं ये चाहती हूँ कि शिकायत ये आती है कि किसी गली किसी मोहल्ले में आपकी गाड़ी नहीं आती, तो मैं चाहती हूँ प्रत्येक गली में प्रत्येक मोहल्ले में प्रत्येक गाड़ी में आपकी गाड़ी जानी चाहिए। जहाँ जैसा कि भी आया सामने से बात आई कि बड़ी गाड़ियाँ बड़े रोड चौड़े रोड पर चली जाती हैं, अभी बाबूजी ने कहा कि मेरा वहाँ पर हॉस्पिटल है, नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है, वहाँ बाहर कूड़ा क्यों लगा हुआ है? जब आपका टेंशन ग्राउंड है, आपके कर्मचारी हैं, आपके संसाधन सारे आपके पास, फिर कूड़ा वहाँ क्यों पड़ा? इसको गंभीरता से ले लीजिए, ये विषय यहाँ तक मैं पहले भी आपको कई बार कह चुकी हूँ, अब ऐसा होगा तो मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस बात को गंभीरता से चंदौसी नगर के सभी संभ्रांत व्यापारीगण, अभी हम आप लोगों से परिचित नहीं हैं, मैं पुष्पराज सिंह, कैरियर यूटिलिटी सर्विस, चंडीगढ़ का काम धाम यहाँ पर देख रहा हूँ। बेसिकली मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, कंपनी आपकी चंडीगढ़ की है, वो एम डी साहब हमारे मित्र हैं, वो एम डी साहब के हमारे लड़के हैं मनजिंदर पाल सिंह। हम पिछली 1 जनवरी से यहाँ पर डोर गार्बेज कलेक्शन का काम देख रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हर घर तक हमारी पहुंच हो और हर घर से हमें कूड़ा मिले और वो कूड़ा जो है सेकेंडरी पॉइंट पर न जाने पाए। सेकेंडरी पॉइंट पर जाने पर आप लोगों ने बहुत चर्चा कर ली, उसके बाद कैसे कैसे बंदर बिखेरते हैं, सुअर बिखेरते हैं, ये बिखेरते हैं, वो बिखेरते हैं, वो बिखेरते हैं इसलिए कि वो सेकेंडरी पॉइंट तक कूड़ा पहुँच रहा है। अगर हमारी पहुँच आप लोगों तक है तो हमको कूड़ा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो सेकेंडरी पॉइंट पर जा रहा है। उसका मेन रीज़न है कि सब लोगों के यहाँ ऑलरेडी सफाई कर्मी लगे हुए हैं और वो हमको देना नहीं चाहते, या वो उनको चाहते हैं भैया आप उनको दोगे तो हमारे पेट पर लात पड़ेगा। हमारा उद्देश्य कहीं नहीं है कि किसी के पेट पर लात पड़े, लेकिन अगर कूड़ा हमको मिलेगा तो हम उसको लेकर सीधे पंचिंग ग्राउंड तक लेके जाएंगे और शहर में कूड़ा बिखरने नहीं पाएगा। और जो नालियों से या इधर उधर से कूड़ा आता है वो हम जो है सेकेंडरी पॉइंट से कलेक्ट कर लेंगे। सर्दियों में जब हमने काम शुरू किया, विकराल सर्दी थी 1 जनवरी से, और हमारा पूरा कोशिश थी कि शहर का मेन सिटी का कूड़ा जो चंदौसी का हृदय है उससे कूड़ा जो है 7, 7:30 बजे, 8 बजे तक कैसे भी क्लीन हो जाए, और हम काफ़ी कुछ उसमें सफल भी रहे हैं। वो आप लोगों को हमसे बेहतर मालूम होगा कि आप लोगों को पूरा वहाँ पे रहते हो तो कल सफाई करके वहाँ से हट जाते थे। कुछ मेंबरगण थे उन्होंने भी हमको मतलब काफ़ी प्रोत्साहित किया, वो बताए भी। अभी क्या है कि हम एक बार पूरा 8 बजे 8:30 बजे तक पूरा साफ कर देते हैं तो मेन सिटी का है, लेकिन उसके बाद भी जो है कूड़ा वहाँ पर पड़ जाता है। उसके लिए हमने अपना एक बना रखा है कि सुबह 7 बजे हमारी गाड़ियाँ निकलती हैं, फिर 10 बजे हम निकालते हैं, क्योंकि अगर दोबारा कूड़ा पड़ा हुआ है तो वो उसका निस्तारण हो जाए, वो वहाँ से उठ जाए, और काफ़ी कुछ हम इस उद्देश्य में सफल भी रहे हैं। अगर कोई भी कंपनी कोई भी आदमी ये कहे कि मैं शहर को पूरा कूड़ा मुक्त कर दूँगा, संभव नहीं है, इसलिए कि एक बार आप साफ करो दोबारा कूड़ा वहाँ से पड़ना पड़ना स्वाभाविक है। आपकी शिकायतें कूड़े से रिलेटेड यही आती है कि अभी यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है। अगर कूड़ा पड़ा हुआ है, आपने शिकायत की और उस शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ, तब हमारे फ्लोर है। अगर कूड़ा हमने उठाया फिर दोबारा कोई ले आकर वहाँ पर डाल गया और आपने शिकायत की फला जगह पर कूड़ा पड़ा हुआ है और वो कूड़ा हम नहीं उठवाते, तब हमारा फ्लोर है। तो आप लोगों से हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप लोग अपने आप सभी संभ्रांत हैं, सभी मतलब का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो शहर में इस बात का संदेश जाए कि कूड़ा हमको दें, हर घर के दें, और जहां हमारी गाड़ी नहीं पहुंच रही, हमारा रिक्शा नहीं पहुंच रहा है, वो हमको बताएं, हम वहां पर उनको भेजने की कोशिश करेंगे। कंपनी की तरफ से हमने पीठ बना दी है और हर रिक्शे वाले को एक टारगेट दिया हुआ है, भैया कम से कम 300 घर कवर करना है, 300 घर से कूड़ा कलेक्ट करना है।